नमस्कार, मैं कायरा गोदियाल क्लास फर्स्ट आम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक लड़की ने और एक कौवे ने पेड़ पर पका हुआ आम देखा। लड़की ने सोचा क्यों ना इस आम को तोड़ा जाए। लड़की ने अपने भाई को बुलाकर उसे भी वो आम दिखाया। कौवा ये सब ध्यान से देख रहा था और उसका भाई गुलेल से आम पर निशाना लगा रहा था। जैसे आम नीचे गिरा, कौवे ने अपनी चोंच पर लपक लिया और ये देखकर वो दोनों भाई बहन उदास हो गए। कौवा धीरे धीरे आगे बढ़ के गया और वो रास्ते में मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियां उसको डंक मारने लगी और कौवे की चोंच से वो आम कौवे के घोंसले में गिरा और एक गिलहरी ने जाकर वहां से आम उठा लिया और इतने में ही कौवे के अंडे टूट गए। कौवे के बच्चे काव 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 का शोर मचाने लगे। गिलहरी के हाथ से वो आम छूट गया और कहां गिरा? एक बंदे की पगड़ी के ऊपर। और लड़की ने वहां से आम उठाकर खा लिया और उसका भाई गुलेल के निशाने से खुश होने लगा। नमस्कार।